watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस और रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ एक YouTube के वर्कआउट चैलेंज का। सो ये YouTube का सबसे पॉपुलर, सबसे वॉच्ड एब वर्कआउट का चैलेंज है। सो इट इज अ चैलेंज बाय कोली टिंग, जो एक बहुत ही पॉपुलर फिटनेस यूट्यूबर है। और जब मैंने लास्ट टाइम एक सिमिलर वीडियो शेयर किया था, लोगों ने मुझे बहुत रेकमेंड किया था कि आप इनका कोई वर्कआउट चैलेंज एक्सेप्ट करें, उसे ट्राई करें। तो मैंने एक्सेप्ट किया, ट्राई किया और आज अपने एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले सुबह का टाइम है, इस वीडियो में अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है, जो मेरा नया मॉर्निंग ड्रिंक है, वो भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी और वो है कोकोनट वाटर। सो ये है कंट्री डिलाइट का टेंडर कोकोनट वाटर, जो आया है सीधा इंडिया की कोकोनट सिटी पोल्लाची तमिलनाडु से। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे वीडियो में। लेकिन कोकोनट वाटर के बारे में एक स्पेशल चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोकोनट वाटर इज द बेस्ट नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक। अगर आप इसे मॉर्निंग ड्रिंक की तरह कंज्यूम करते हैं तो कोकोनट वाटर जो है, इट हेल्प्स हाइड्रेट योर बॉडी, नो डाउट। आपकी एनर्जी इससे बूस्ट होती है बिफोर योर वर्कआउट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोकोनट वाटर में होता है ल्यूरिक एसिड। अगर आप इसे मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इट किक स्टार्ट्स योर मेटाबॉलिज्म और आपके वेट लॉस को भी ये सपोर्ट करता है। सो आई एम गोइंग टू हैव दिस मच ऑफ कोकोनट वाटर बिफोर माई वर्कआउट। आई विल गिव अ ब्रेक ऑफ 20 to 30 मिनट्स एंड देन आई विल स्टार्ट माई वर्कआउट। तो चलिए आप वर्कआउट देखिए, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और साथ ही और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी अबाउट कंट्री डिलाइट्स कोकोनट वाटर। सो कोली टिंग के 2 वीक्स फ्लैट एब वर्कआउट चैलेंज की पहली एक्सरसाइज है लेग रेज क्लैप। सो आपको लेग रेजेस करने हैं और उसे कंबाइन करना है क्रंचेस के साथ। चैलेंजिंग एक्सरसाइज है और स्टार्टिंग ही की एक्सरसाइज को मुझे देखकर लग गया था कि बहुत ही इंटेंस रहने वाला है ये वर्कआउट। जब भी आप अपने लेग्स को नीचे लाएं, आपको आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, हर्ट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब आप लेग्स को नीचे लेके जा रहे हैं। एंड इट इज़ एन अमेजिंग एक्सरसाइज। एक्चुअली आपको जो पूरा प्रेशर है वो आपके कोर पर आएगा। बीच में कोई रेस्ट नहीं है, बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो है रिवर्स क्रंचेस। आपको लिफ्ट करने हैं अपने हिप्स को, एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करते हुए, कोर को टाइट रखते हुए उन्हें ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आप चाहें तो अपने हैंड्स को साइड में रख सकते हैं या फिर हिप्स के नीचे, एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये जो पैटर्न है वो ये है कि 2 एक्सरसाइज के बाद आपको ब्रेक मिलेगा। 2 एक्सरसाइज के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, यानी लगातार 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। 10 सेकंड का ब्रेक है अभी। 10 सेकंड के ब्रेक के बाद 3rd एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन प्लैंक। यहाँ पे फुल प्लैंक पोजीशन में आपको जाना है और अपने नीज को आपको साइड से एल्बो के क्लोज लेकर आना है और ऑल्टरनेटिव आपको ये दोनों साइड पर करना है। सो यू हैव टू बेंड योर नीज और बाहर की तरफ से टच करने की कोशिश करना है एल्बोज को। विदाउट एनी रेस्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो है क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर। तो आपको सेम पोजीशन में रहना है, यानी हाई प्लैंक जो होता है, और आपको नीज साइड में लेके जानी है ऑपोजिट एल्बो की तरफ, यानी अंदर से आपको ऑपोजिट एल्बो की तरफ लेकर जानी है एज क्लोज एज पॉसिबल। कोर आपको एंगेज करनी है पूरी टाइम, लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पर आपकी हिप्स जो है वो ज़्यादा ऊपर ना जाएं और नीचे की तरफ डिप ना हो। आपको वहाँ पर मेंटेन करके रखना है, तभी पॉसिबल होगा जब अपने कोर को आप स्क्वीज्ड इन करके रखेंगे। 2 एक्सरसाइज के बाद 10 सेकेंड्स का शॉर्ट ब्रेक। 5वीं एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। यहाँ पर यू हैव टू सिट इन अपराइट पोजिशन। अपनी हील्स को आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अगर आपको और चैलेंजिंग करना है इस वर्कआउट को तो अपने हील्स को आप ऊपर भी रख सकते हैं, यानी डोंट टच देम टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे ना रखें। अब पूरी बॉडी, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है और टैप करना है दोनों तरफ इस तरह से। एंड यू कैन गो एट योर ओन पेस। विदाउट एनी ब्रेक 6th एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो है इन एंड आउट। सेम पोजीशन में आपको एल्बोज को बेंड करके पीछे की तरफ प्लेस करना है, पाम आपके ग्राउंड पर रहेंगे। आपको अपने लेग्स एक्सटेंड करना है और फिर उन्हें अपने से क्लोज लेकर आना है. यू हैव टू ब्रिंग योर लेग्स क्लोज टू योर चेस्ट फोल्ड करते हुए. अगेन आपकी कोर टाइट रहेगी और बैलेंस आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना है. दो एक्सरसाइज के बाद एक छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक. 7th हमारी एक्सरसाइज है प्लैंक विद हिप डिप्स. तो यहाँ पर आपको एल्बो प्लैंक पर जाना है और साइड में आपको टर्न करते हुए डिप करना है, टैप करना है अपने हिप से. ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक ग्रेट एक्सरसाइज है आपकी कोर्स के लिए और आपके ओब्लिक्स यानी साइड्स के लिए. तो लव हैंडल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. अगेन आपकी हिप जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए और बिल्कुल नीचे भी नहीं. स्टे इन वन लाइन. नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक जैक. आपको एल्बो प्लैंक से हाई प्लैंक पर जाना है यानी फुल प्लैंक यहाँ पर करेंगे आप और साथ ही आपको अपने फीट्स इन एंड आउट मूव करने हैं. स्टमक आपको टाइट रखना है, स्क्वीज इन करके रखना है. दो एक्सरसाइज के बाद एक छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 100 हैंड पंप्स. तो एक तरह का बोट पोज आपको यहाँ पर बोट पोज में जो पोजीशन होती है वो होल्ड करनी है और अपने हैंड्स को पंप करना है अप एंड डाउन 100 टाइम्स आपको करना है. यू रिक्वायर बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथ फॉर दिस एक्सरसाइज. इफ पॉसिबल आप ये पूरा एक स्ट्रेच में करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो यू कैन टेक ब्रेक एंड यू कैन स्टार्ट अगेन इफ यू कैन नॉट फिनिश दिस इन वन गो. नेक्स्ट इज क्रंचेस. लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड डू अ क्रंच जैसे हम नॉर्मल करते हैं. यू मस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट एंड ऑन द ग्राउंड यानी आपकी बैक बिल्कुल ग्राउंड पे टच होनी चाहिए इस टाइम पे. दो एक्सरसाइज के बाद एक छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक. नेक्स्ट इज अप डाउन प्लैंक. इसे एल्बो टू हाई प्लैंक भी कहते हैं. अपनी कोर आपको टाइट रखना है, हिप टाइट रखना है, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए. मैंने देखा है जब भी लोग हाई टू लो प्लैंक जाते हैं पूरी बॉडी मूव करती है. ट्राई करें कि आप अपनी अपर बॉडी से नीचे ऊपर जाएं. अपने हिप का लेवल आपको मेंटेन करके रखना है. नेक्स्ट इज एल्बो प्लैंक होल्ड. आपको एल्बो प्लैंक की पोजीशन को होल्ड करना है. मेक श्योर कि आप टाइटनेस फील करें अपने एब्डोमिनल में और अपने हिप्स को भी इस एक्सरसाइज में एंगेज करें. तो 12th एक्सरसाइज हो गई है. बहुत थोड़ा एक्सरसाइजेस बची हुई हैं. 10 सेकेंड का ब्रेक लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हील टैप. लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, अपने लेग्स को फोल्ड कर लीजिए. लिफ्ट योर अपर बॉडी स्लाइटली एंड स्टार्ट मूविंग साइड टू साइड. आपको अपने हील्स को टैप करना है. अगेन इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर ओब्लिक मसल्स. आपकी जो लव हैंडल्स हैं उसे कम करने में हेल्प करेगा. अपने कोर को आपको यहाँ पर टक्ड इन करके रखना है, अंदर की तरफ खींच कर टाइट रखना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसाइकिल क्रंचेस. सेम पोजीशन में आपको अपना अपर पोर्शन थोड़ा सा लिफ्ट करना है. कीप योर हैंड्स बिहाइंड योर हेड एंड आपको अपने नी से उसे टच करना है. ब्रिंग योर नी एंड ऑपोजिट एल्बो क्लोज टू ईच अदर और आपको ऑल्टरनेटिव इसे करना है. 10 सेकेंड का ब्रेक और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो है रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस में भी मेक श्योर दैट आपका एब्डोमिनल टाइट रहे, आपका हिप जो है वो टाइट रहे, आपकी कोर मसल स्क्वीज्ड इन रहे और लिफ्ट कर दीजिए इस तरह से अपने हिप्स को। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट जो नॉर्मल क्रंचेस होते हैं उनसे डबल इसका इफेक्ट आता है रिवर्स क्रंचेस का, अगर आप इसे करते हैं, अपने रूटीन में इसे शामिल करते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट लेग्स क्रंचेस। आपको लिफ्ट करने हैं अपने लेग्स को और क्रंच करना है। गो एज क्लोज टू योर फीट एज पॉसिबल और वहां जाकर आपको पल्स करना है कपल ऑफ टाइम्स एंड कम बैक। यू कैन इवन बेंड योर नीज, अगर आपको इसमें स्ट्रेट लेग नहीं रखते हैं तो आप उन्हें बेंड भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन प्लैंक ये हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली एल्बो टू हाई प्लैंक। कोशिश करें अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव ना करें। इसके लिए आपको अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अपनी कोर की स्ट्रेंथ भी यूज़ करनी है, अपने हिप्स को भी टाइट करके रखना है। So this was all about Chloe Ting's most popular ab workout challenge. So चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में और बात करूंगी मैं अपने फेवरेट ड्रिंक कोकोनट वाटर के बारे में। Now if I talk about Country Delight coconut water, so basically as you can see it's a coconut, it's a real coconut. तो ये एक natural 100% natural coconut water है and I'm quite impressed with the packaging. So when I first learned about this कि Country Delight, I have been using Country Delight products for a long time. So जब मैंने पहली बार सुना कि इनका कोकोनट वाटर भी लॉन्च हो रहा है, I was a little doubtful कि कैसा होगा, क्या होगा. But when I got this, look at this, the packaging, I was so impressed. It's 100% natural. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब मैं बाजार में लेने जाती थी कोकोनट वाटर, कुछ चीजों का मुझे बहुत डर रहता था। सबसे पहले the quality of coconut, द क्वांटिटी, टेस्ट भी। कई जो कोकोनट है उनका पानी काफी खारा टेस्ट करता है। दे से कि इसके अंदर 300 अप्रोक्सीमेटली जो है कोकोनट वाटर होता है। कंट्री कोकोनट जो है वो कोकोनट को सोर्स करता है पोलाची से, तमिलनाडु से, जो बेसिकली कही जाती है सिटी ऑफ इंडियन सिटी ऑफ कोकोनट। वहां के कोकोनट बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, बेस्ट टेस्ट होता है उनका। So if you want to get subscription of Country Delight's coconut water, तो उसका लिंक मैं आपको description box में provide कर दूंगी। Coconut water जो है, it's a great post-workout drink as well. Reason being इसके अंदर होते हैं बहुत सारे vitamins and minerals, जो electrolytes का loss हुआ है during workout, जो sweat हमें हुआ था उसे रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। इट्स अ ग्रेट एनर्जी बूस्टर ड्रिंक। साथ ही फटीग जो भी हुआ है मसल्स को भी रिलैक्स करने में हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर विटामिन B6 होता है जो मसल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करके उन्हें बिल्ड करने में, उन्हें एक तरह से रिकवर करने में हेल्प करता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू शेयर माई रिजल्ट। सो बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, थोड़ा सा इंटेंस है। बिगिनर्स के लिए कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें लग सकता है कि दे माइट फाइंड इट डिफिकल्ट। सो आज मेरा 13th डे था ये वर्कआउट करते हुए। ऑलमोस्ट मेरा चैलेंज जो है कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मैंने इस एक्सरसाइज के, इस रूटीन के 2 सेट्स किए। शुरू में 1 किया एंड देन लास्ट के एक हफ्ते से मैं 2 सेट्स कर रही हूँ बिकॉज आई गॉट यूज टू इट। तो मैंने किया and also I could feel the tightness in my upper belly and my lower belly. Or yes, I have lost some inches. And since I don't have a big belly, तो उसे notice करना बहुत difficult होता है. But I'm sure people with slight muffin top will have visible results. It is actually good. Heads off to Chloe Ting. It's a great workout, no doubt. इसीलिए इतने लोगों ने इसे देखा है, इसे recommend कर रहे हैं. Thanks for your recommendation. Thanks for watching. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay happy and stay active. I'll be back very soon. Bye bye.